क्या होगा जब न्यूयॉर्क शहर में एक एटम बॉम्ब गिराया जाता है, जिसके बाद अब पूरे ही शहर में सिर्फ 8 लोग जिंदा बचते हैं, जो कि अब इस बर्बाद हो चुके शहर में एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में छिपे हुए थे। मगर क्या वे खुद को इस तबाही से बचा भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी थी, मगर तभी वहां एक एटम विस्फोट होता है, जिससे बचने के लिए अब सभी लोग ऊपर से नीचे भागने लगते हैं। वहीं बाहर चूंकि अब हर ओर तबाही फैली हुई थी, तो अब सब लोग बचने के लिए एक बेसमेंट में घुसने लगते हैं, जहां अब सिर्फ 8 ही लोग अंदर घुस पाते हैं। और मिकी, जो कि इस बेसमेंट में रहता था, अब जल्दी से दरवाजा बंद करता है और यहाँ से वो अब जनरेटर्स को ऑन कर अंदर लाइट जला देता है। अब यहाँ से सभी लोग अंदर डरे सहमे बैठे हुए थे, जहाँ मिकी उन्हें कहता है कि अब से उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि बाहर एटम बम फटा है और उसके रेडिएशन अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये जगह उसी की है, तो उससे पूछे बगैर अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा और ना ही कुछ करेगा। अब जो 8 लोग अंदर जिंदा बचे थे, वे थे मैरलिन, उसकी बेटी वेंडी, एक आदमी डेल्विन, इसके अलावा 2 भाई जोश और एड्रियन। यहाँ जोश का एक दोस्त भी है जिसका नाम बॉबी है, और लास्ट में एवा और उसका बॉयफ्रेंड सैम। अब एवा पूछती है कि क्या किसी के फोन में सिग्नल्स आ रहे हैं, मगर अब यहाँ किसी के भी फोन में सिग्नल्स नहीं थे। यहाँ मिकी अब डेल्विन को एक रेडियो देता है और कहता है कि वो इसे ट्राई करता रहे और क्या पता उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाए। अब मिकी सब लोगों को जगह दिखाता है जो कि काफी खराब हालत में थी, मगर अब उन्हें इसी से काम चलाना होगा। वहीं वो सबको खाने के लिए बीन्स भी देता है। वहीं डेल्विन, जो कि रेडियो से ट्राई कर रहा था, अब वो कहता है कि उसे कोई भी सिग्नल्स नहीं मिल रहे, जिसे कि सुन अब सब लोग काफी परेशान होने लगते हैं और वे मिकी से पूछते हैं कि उन्हें कब तक यहाँ रहना होगा। जहाँ मिकी बताता है कि जब तक बाहर सब कुछ ठीक ना हो जाए, तब तक वे बाहर नहीं जा सकते। वहीं उसकी इजाजत के बगैर यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वे सब अभी तक उसी की वजह से बचे हुए हैं। यहाँ जोश और बॉबी अंदर रहकर थक चुके थे और वे अब बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर जाते हैं, मगर अब मिकी उन पर एक्स से अटैक करता है ताकि वे दरवाजा ना खोल सके और रेडिएशन अंदर ना आए। अब बॉबी और जोश मिकी से गुस्सा थे कि वो उन पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है, मगर वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह थी तो उसकी ही। तो अब यहाँ से कई दिन गुजर जाते हैं और मिकी फिर से सबको खाने के लिए बीन्स गर्म करने लगता है, जहाँ जोसेफ कंप्लेन करता है कि वो अब और ये बकवास खाना नहीं खा सकता। जहाँ मिकी अब गुस्से में उससे कहता है कि वो उन्हें अपना खाना दे रहा है, यही बड़ी बात है। और तभी उन्हें अपने दरवाजे पर किसी की आवाज आने लगती है। यहाँ मिकी जल्दी से भागकर लाइट्स ऑफ करता है, क्योंकि बाहर से कोई उनके दरवाजे को लॉक कर रहा था। वहीं अब कुछ लोग हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये शायद से आर्मी वाले हैं जो कि उन्हें बचाने आए हैं, मगर ऐसा था नहीं। दरवाजा खुलता है और 4 लोग अब रेडिएशन सूट्स पहनकर अंदर आते हैं और सब पर गन पॉइंट कर देते हैं, जिन्हें की देख अब सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है। कि तभी वे मरीन को मारकर अब उसकी बेटी वेंडी को उठाकर ले जाने लगते हैं। अब यहाँ सब लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि बाहर क्या हुआ है, मगर वे उनका कोई जवाब नहीं देते, जहाँ से अब सब लोग समझ जाते हैं कि वे उन्हें बचाने नहीं आए और वे जल्दी से इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ से वे चारों गार्ड्स अब उन पर गोलियां भी चला देते हैं। यहाँ से अब डेल्विन छुपकर एक गार्ड पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। वहीं मिकी भी एक गार्ड पर अटैक करता है और उसकी गन लेकर एक दूसरे गार्ड को मार डालता है, जहाँ से वो अब फिर से लाइट को ऑन कर देता है और एक चेन से दरवाजे को फिर से लॉक कर देता है ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। अब यहाँ वे पाते हैं कि एड्रियन को गोली लगी थी और काफी खून भी बह रहा था, जहाँ से वह अब उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने लगती है। वहीं सब लोग कंफ्यूज भी थे कि ये सब कौन है और इन्हें पकड़कर कहाँ ले जाने वाले थे। वहीं मैरिलिन को होश आता है और वो दरवाजा खोलकर अब बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि वे उसकी बेटी वेंडी को ले गए थे, मगर सब लोग अब उसे शांत करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाहर से रेडिएशन अंदर आ जाए और उन्हें इन्फेक्टेड कर दे, तो वे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं डेल्विन अभी भी रेडियो से चेक करने की कोशिश कर रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, कि तभी वो नोटिस करता है कि मिकी की जेब में कुछ है और ये एक सॉसेज का पैकेट था।
यानी कि वो खाना उनसे छिपा रहा है और उन्हें सिर्फ बीन्स ही खाने को दे रहा है। वहीं एवा मैरिलिन के पास जाती है और उसे खाना देती है, जहां मैरिलिन अब उसे बताती है कि वेंडी ही उसकी सब कुछ है और वो उसे लेने जरूर जाएगी। यहां से अब सब लोग इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनमें से किसी को तो बाहर जाना ही होगा और देखना होगा कि बाहर क्या चल रहा है। वहीं भी वेंडी को कहां ले गए हैं। अब जिस गार्ड को उन्होंने मार दिया था उनमें से एक का रेडिएशन सूट जोश खुद पहन लेता है और बाहर जाने का डिसाइड करता है, जहां से अब दरवाजा खोलते ही वे शॉक रह जाते हैं क्योंकि बाहर से उनके दरवाजे को किसी बंकर से कनेक्ट किया गया था। यहां से अब जोश आगे जाकर देखने लगता है जहां उसे बाकी के गार्ड्स मिलते हैं, मगर वे उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि इस बड़े सूट में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं उन लोगों ने इंसानी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रखा था। अब यहां से अगले ही कमरे में कई बच्चों पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, जहां उसे वेंडी भी दिखाई देती है जिसकी आंखों पर अब पट्टी लगाई गई थी। और उसी वक्त अब एक गार्ड आकर जोश की आईडी चेक करने लगता है और पाता है कि ये उनमें से एक नहीं है और वो जल्दी से उसकी ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है। अब जोश जल्दी से वापस बेसमेंट की तरफ भागने लगता है, जहां रास्ते में बचने के लिए अब शूट करते वक्त उसकी गन वहीं रह जाती है और वो वापस भाग आता है। वहीं वो जल्दी से अब सबको वहां हुई घटनाओं के बारे में बताता भी है, जहां वो मैरिलिन को भी कहता है कि वेंडी मर चुकी है और वे अब उसकी बॉडी पार्ट्स पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसे की सुन अब मैरिलिन अंदर से टूट चुकी थी कि तभी सबको अब बाहर से आवाज आती है, जहां से अब गार्ड्स ने उनके दरवाजे को बाहर से ही सील कर दिया था, यानी कि अब वे अंदर ही फंस चुके थे, जहां से धीरे धीरे अब काफी दिन अंदर बीतने लगते हैं। वहीं अब तो उन्हें इतने दिन अंदर रहने के बाद इस अंधेरे की आदत हो चुकी थी। वहीं अब तक कई लोगों पर भी धीरे धीरे रेडिएशन का असर होने लगा था, जहां मरे हुए गार्ड्स की लाशें भी अब सड़ रही थी। तो सब लोग अब डिसाइड करते हैं कि वे इन लाशों को काटकर फ्लश आउट कर देंगे। अब मिकी बॉबी को एक कुल्हाड़ी देता है और कहता है कि उसे ही ये करना होगा, जहां बॉबी कुछ देर बाद बाहर आकर कहता है कि ये कुल्हाड़ी में धार नहीं थी, मगर फिर भी उसने किसी तरह से काम कर दिया है। वहीं डेल्विन मिकी से मिलने उसके रूम में जाता है, मगर अब वहां कोई नहीं था। मगर जैसे ही वो बाहर निकल रहा था कि उसे लोक की आवाज आती है और वो पाता है कि मिकी अब कमरे में है, तो वो उसे पूछता है कि वो कहाँ था और अचानक से यहाँ कैसे आ गया, यानी कि वो उनसे कुछ तो छिपा रहा है। अब मिकी उसे वहां से निकाल देता है। वहीं डेल्विन अब बाहर आकर सबको यही बताता है, तो अब सब लोग जाकर मिकी के रूम में चेकिंग करने लगते हैं कि तभी मिकी आता है और कहता है कि वे उसके रूम में क्या कर रहे हैं, जहां सभी कहते हैं कि अब ये रूम उसका अकेले का नहीं है। और वे ये भी पाते हैं कि मिकी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले उनकी चीजें चोरी करता था, क्योंकि उन्हें वे सब चीजें उसी के रूम में मिलती हैं। यहां मिकी उन्हें डराता है कि वे ऐसा करके पछताने वाले हैं। वहीं अब सभी लोगों को इतने दिन नीचे रहने के बाद फाइनली टीवी देखकर थोड़ी राहत मिलती है, जिसके बारे में मिकी ने किसी को बताया तक नहीं था। वहीं अब समय बीतने के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा था और लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जहां एक बार खाने की कमी को लेकर झगड़ा भी होता है और मिकी जोश को पंच मारता है। वहीं बॉबी, जोश और एड्रियन को शक था कि मिकी उनसे कुछ तो छिपा रहा है, और ये बात सच भी साबित होती है जब डेल्विन मिकी के पास जाता है और पाता है कि मिकी के पास एक सेफ रूम है जिसमें कि लॉक लगा है, मगर मिकी ने डेल्विन को देख लिया था और वो अब उसे शूट कर देता है। अब सब लोग इकट्ठा होते हैं और मिकी को पकड़ एक चेयर से बांध देते हैं। वहीं अब जोश और बॉबी मिकी को टॉर्चर करने लगते हैं, जिससे कि वो उन्हें अपने सेफ रूम का लॉक कोड बता दे। अब यहाँ पहले तो मिकी उन्हें मना करता है, मगर बाद में वे उसकी एक उंगली काट देते हैं, जिसके बाद फाइनली मिकी उन्हें कोड बता ही देता है, जहां से अब सब लॉक रूम में जाते हैं और वे पाते हैं कि इसके अंदर खाने का बहुत सारा सामान है, जिसे कि देख अब उन्हें काफी सुकून मिलता है, क्योंकि अब तक वे सिर्फ बीन्स ही खा रहे थे, मगर मिकी ने इतना सारा सामान खुद के खाने के लिए बचा रखा था। और अब वे मिकी को बांधकर एक रूम में लॉक कर देते हैं। वहीं अब रेडिएशन का असर सबकी बॉडी पर और उनके दिमाग पर भी होने लगा था। वहीं अब जोश और बॉबी दोनों ही पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहे थे और वे सैम और दोनों लेडीज को टॉर्चर करना शुरू करते हैं, जहां से वे मैरिलिन से रेप भी करते हैं। वहीं युवा अब उसे बचाना चाहती थी, तो वो अब खाना देने के बहाने मिकी के पास आती है, जहां मिकी उसे बताता है
कि उसने सेफ रूम में एक गन छिपा रखी है, मगर वो उस गन तक पहुंच नहीं पाती। अब समय और बीतता है, जहां रेडिएशन के असर से सबके बाल झड़ने लगे थे और अब वे सब और ज्यादा मेंटली पागल हो चुके थे, जहां से उन्होंने एक दिन अब मैरिलिन को भी पीट पीट कर जान से मार दिया, मानो जैसे कि वे दिन पर दिन जानवर बनते जा रहे हों। और एवा अब इन्हीं के डर से मिकी को खोल देती है, जहां कई दिन चेयर पर बैठने के बाद उसके पैर खराब हो चुके थे। और अब लड़ाई के बीच जोश खुद को आग लगा लेता है और सब लोग आग बुझाने लगते हैं। वहीं इसी बीच ईवा बचने के लिए एक रेडिएशन सूट को लेकर टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल जाती है, जहां बाकी के सब लोग अब अंदर ही आग में जल जाते हैं। यहां ईवा बाहर देखती है कि अब बाहर न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और दूर दूर तक लाइफ का कोई नामो निशान तक नहीं है। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।